बड़ी
जाती है कि तुम नमाज की इबादत करो, नमाज की पाबंदी करो। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो दीन के दूसरे चार शौकों की पाबंदी करेगा, और जो नमाज की पाबंदी नहीं करेगा दूसरे किसी शौके में वो अल्लाह के आकाम को पूरा नहीं कर पाएगा। इस वक्त हमारे सामने अल्लाह का हक है, अल्लाह के बंदों का भी हक है। हक होने के नाते बहुत अदब एहतराम से ये है कि हमारी मस्जिदें अभी तक बयान पड़ी है। हमारे भारतों में जो मुस्लिम बस्तियां हैं उसमें आबादी है, और आबादी के एतबार से जितने आपसे बारे वर्द हैं इस वर्द के एतबार से हमारी भारतीय की गांव की इलाके की भारत की मस्जिदों का अगर सर्वे करें हिसाब करें तो हमारी मस्जिदें अभी बयान और बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। खुद अपने तय इस बात को सोचे कि हमें 500 नमाजों का बाजुमान एहतमाम करना है, हमें अपने बाल बच्चों को इसका मुकदर बनाना है, हमारे अड़ोस पड़ोस में हमारे महल में हमारे जो भाई के बेचारे नमाज से पूरे हमें एक दूसरे को मस्जिद में लाना है, मस्जिद को आबाद करना है। देखो मेरे भाई दो चीजें हैं, एक है मस्जिद और एक है बाजार। के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का खुलासा है कि दुनिया में जमीन के जितने टुकड़े हैं जितने हिस्से की जमीन है इन जमीनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा हिस्सा अल्लाह की बारगाह में अगर कोई है तो वो मस्जिद है, और सबसे ज्यादा मजबूत जमीन और ना पसंदीदा और मकरूह अगर कोई खिता है तो जगह है वो बाजार है। हमारे यहाँ पर एक काम की बात लिखी है, आदमी ये चाहे कि मैं जन्नत में जाऊं तो इसके लिए वाया जंक्शन और स्टेशन की मस्जिद है। जो मुसलमान अपनी मस्जिद से अपने रब को पैदा करेगा, अपना रिश्ता पैदा करेगा, मस्जिद को आबाद करने की फिक्र करेगा, उसको जाना आखिरत में जरूर है, कब्र में सोना जरूर है। एक आदमी वो है जो मस्जिद को आया करके जाएगा और एक आदमी वो है जो आबादत को आया करके जाएगा, दोनों को जाने में बहुत बड़ा फर्क है। अल्लाह की रजामंदी वाला रास्ता, अल्लाह की तरफ से इनामात और बदले वाला रास्ता, अल्लाह की तरफ से जन्नत वाला रास्ता ये है कि मोमिन दुनिया से मस्जिद से ताल्लुक के बगैर नहीं जा सकता। और अगर आदमी का रास्ता कुछ और है, मस्जिद के अलावा बाजार वाला रास्ता है और बाजार में अपनी जिंदगी गुजारता है, गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर वहां से वो कब्र में जाता है, आखिरत में जाता है, अरमान भी बहुत बड़ा मुसलमान का और घाटे का सौदा है। यहाँ पर हर एक शख्स अपने इस बात को तय करे कि इंशाल्लाह हमें नमाजों का एहतमाम करना है। हमारे बस्ती का हमारे महल्ले का एक भी मुसलमान मर्द जो आकिद है वाजिब है वो अपने अपने महल्लों की मस्जिद में पांचों वक्त की नमाज बाजमान का एहतमाम करेगा। और मेरे ख्याल जो चीजें जरूरी होती है उसके बगैर तो चारा नहीं होता। आप अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में सफर करना चाहे, आपने बस का गाड़ी का और इसी तरह हवाई जहाज का सबका टिकट ले लिया और सब कागजात आपके बराबर है, लेकिन आपके पास पासपोर्ट नहीं है, आप बताइए आप दूसरे मुल्क का सफर कर सकेंगे? आपने कस्टम ऑफिसर को कहा कि सब कुछ पासपोर्ट हो गया, आपकी सब कुछ मेरे पास है, मुझे जाने दीजिए, लेकिन वो आपको नहीं देगा। तो जो जरूरी है उसको करना जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। एक मोमिन के लिए है कि वो पांचों नमाजों का एहतमाम करे, इसके लिए हर भी इतना जरूरी है उसका एहतमाम उसकी जिंदगी में होना चाहिए। और अल्लाह जितने भी हुकूम है, सलात है, रोजा है, फर्ज है, अगर बुनियादी चीजें हैं, अगर आदमी इसमें कमी होगा, इसमें पोका होगा, इसको अच्छी तरह अदा करेगा तो इंशाल्लाह दूसरे शोबे में दूसरे फराइज में वो दीन के करीब होता जाएगा। आदमी देखने के एतबार से कितना ही बड़ा बुजुर्ग क्यों ना हो, कितना ही बड़ा सूफी क्यों ना हो, लंबा लंबे छोटे हो, बेहतरीन हंगामा हो, हाथ में तस्वीरें जज्बा हो, नमाज का एहतमाम जिंदगी में नहीं है, आप यकीन मानिए कि जिंदगी के किसी शोबे में इसका कोई ठिकाना नहीं।
खाने से एहतियात कर पाएगा, न वो मुश्तबा वो मशबूक चीजों से बचने का एहतियात कर पाएगा, वो छोटे गुनाहों से न बच सकेगा, न बड़े गुनाहों से बचने का एहतियात कर पाएगा, जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ सकेगा। ये बड़ा अफसोस है, बार बार नमाज का एहतमाम जमात की ताकीद की जाती है, लेकिन हम ऐसे सुन हो चुके हैं, हम सुनते हैं नमाज का फर्क, बहुत बुरी बात है। मुसलमान और वो नमाज का एहतमाम न करे, मुसलमान और वो जमात की पाबंदी न करे, ये असर हमारी औलाद में आता है। औलाद हो या शागिर, उसको बहुत कुछ सिखाया जाता है और सिखाने को वो सीखता है, लेकिन मेरे आदमी भाइयों बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जिसको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिन सिखाए हमें देखे सीख लेता है, बिन सिखाए देख कर सीख लेता है, मेरे बड़े ऐसा करते हैं, मेरे बड़े ऐसा करते हैं, मेरे बड़ों ने ऐसा किया है, मेरे बड़ों ने ऐसा किया है, इसमें वाक्य लिखा है। अगर हसन कारण छोटे थे घर में खजूरे आती थी, बात खजूरे अपनी नहीं होती थी, बात खजूरे सबका की होती थी, तकसीम करी गई थी, सबके की खजूर की ढेरी थी, और उसे एक दाना हजरत हसन ने उठाया या घर में एक दाना था उसको उठाया और खा लिया, जैसे ही मुंह में डाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया, आपने फौरन कहा कि निकाल दो, ये सबके की खजूर है, हमारे लिए सही नहीं है। इस तरह छोटा बच्चा है और नाना के सामने ऐसा किया है और बड़ों ने नाना ने उनकी तरबियत की, समझ नहीं आया इतना छोटा बच्चा वो आदत किया है, बाद में जब बड़ा होगा समझता होगा तो नहीं पाएगा। और हमारे यहाँ पर काम की बात की है, वो काम की बात ये है, देखो बयान की तरफ मजबूर न हो अपने मोबाइल को जाना तो बंद कर दो, और मेरा ख्याल से कई बार अगर उसे नहीं है दर्द और बीमारी नहीं है तो परिवार जो बीमार है बात है, बाकी पहले सबों को अपने सबों को बोल करो, पीछे बैठने वाला रहता है अगर बीमार नहीं है तो आगे आ जाए, कमर का दर्द है तभी पे कोई हर्ज नहीं। तो औलमा ने यहाँ काम की बात की है, एक देखो बच्चे को बचपन में बुरी चीजों से रोका, अच्छी चीजों की तरक्की की शौक दिलाया, बुरी चीजों से उसके सामने खुद रुके और अच्छी चीजों को उसके सामने खुद किया। जब ये बच्चा बड़ा होगा और उसके सामने ये बात आएगी कि ये खाने की चीज मेरे लिए सही जायज नहीं है, हलाल नहीं है, वो जब उसके सामने आएगी तो अल्लाह उसके दिल में डालेगा, उसको याद दिलाएगा कि कभी बचपना था तुझे मसला मालूम नहीं था, लेकिन तेरे बड़ों ने तुझे इस काम से रोका था, और जब बचपन में बड़ों ने रोका है तो रोका है, इंशाअल्लाह बड़े होने के बाद इसकी रहनुमाई अल्लाह ताला अपने फजल से उसको बचाएगा। आज आज रोना है हमें अपनी नस्लों के फिक्र है, नस्लों की फिक्र है, औलाद दबाव है, हमारा क्या है, हमारा क्या ठिकाना है, हम किस जगह पर खड़े हुए हैं। हमारे अंदर दीनी आमाल का जज्बा, हमारे अंदर अल्लाह ने जो चीजें जिम्मेदारी के तौर पर रखी है हमें उस जिम्मेदारी को पूरा करने का एहसास मिलना है। जब तक हमारे अंदर यह एहसास पैदा नहीं होगा मेरे अंदर दीन नहीं आएगा, मैं घर का बड़ा हूँ मेरे घर में दीन नहीं आएगा, मैं घर का बड़ा हूँ मेरे घर वालों में दीन नहीं आएगा, चिल्लाते रहो, बधाई पढ़ते रहो, बयान करते रहो, बयान सुनते रहो, अगर खुद बदलने का आत्मा नहीं है, खुद कुछ करने का आत्मा नहीं है, कोई काम नहीं है। अपनी जिंदगी में नमाजों का एहतमाम, हम देखे हमारे घर में हमारी बेटी है, हमारी बहू है, हमारी बहन है, हमारी वालिदा है, घर की रिश्तेदार खानदान की जितनी भी औरतें हैं बेनमाजी है, हम उन पर मेहनत करें, उनको नमाज के लिए तैयार करें, वक्त के साथ शब्द के साथ एहतराम के साथ, और हम खुद इसकी फिक्र करें कि हम नमाजों के जरिए से अपनी मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए।
गुनाह जो होते हैं वो दो हो जाते हैं, एक तो जहालत और नादानी की वजह से और एक गफलत की वजह से। जहालत और नादानी की वजह से हुआ है, जब इल्म आएगा शुऊर आएगा तो इसकी इसलाह होगी, लेकिन गफलत और लापरवाही की वजह से अगर ये गुनाह हो रहे इसका कोई इलाज नहीं सिवाय इसकी गफलत को छोड़े तो चौपन ना हो मुझे। और ऐसे मुझे दूसरी आदत बननी है, इंसान होने के नाते माँ बाप होने के नाते हमारी औलाद की हम पर जिम्मेदारी है। दुनिया के हालात ऐसे हैं, एक तालिबिल मकतब में मदरसे में इल्म हासिल करने से बेचारा दूर है, स्कूलों में दुनियावी तालीम हासिल करने से दूर है, ऐसे वक्त में माँ बाप के ऊपर क्या जिम्मेदारी आई होती है? क्या अगर बीमारियों की वजह से हमारे मकातिब और हमारी स्कूलें अगर बंद हैं तो हम भी सो जाएंगे, हम भी छुट्टी का इसका गलत फायदा उठाएंगे, या हम अपनी दुनिया को बर्बाद करने में मस्त रहेंगे, हमारी औलाद हमारे सामने गायब हो जाए, हमें कोई फिक्र नहीं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों की तालीम का जो मसला है, चाहे वो दीनी तालीम हो चाहे दुनियावी तालीम हो, अगर बीमारियों की वजह से हुकूमत की गाइडलाइन की वजह से अगर वो इस तरीके से इतना हासिल नहीं कर सकते, हमें इल्म के हुसूल के लिए क्या शक्ल अख्तियार करनी चाहिए? हमें और फिक्र करना चाहिए, सोचना चाहिए किस अंदाज से किस बदला से हमारा बच्चा दीनी दुनियावी तालीम को हासिल कर सके, चाहे कवानीन के खिलाफ वर्जी ना हो, जहां हमारा काम भी निकल जाए। और इसके साथ याद रखिए ये भी बीवी 1300 सदी की पैदावार है, इससे पहले ये बीवी नहीं। बनु उमर क्या है, बनु अब्बास क्या, वो कैद किया और एक लंबे जमाने तक उनको कैदखाने में रखा। जब कैद की सजा पूरी हुई और जब दो बार वो कैदखाने से निकले तो निकलने के बाद जब अपने घर पहुंचे, अपने बीवी बच्चों से अपने खानदान वालों से अपनी बस्ती वालों से मिले, तो उसको मुलाकात करने वालों ने दोस्त अहबाब ने रिश्तेदारों से पूछा कि भाई हमें ये बताओ कैदखाने में तुम्हें सबसे ज्यादा सख्त सजा कौन सी दी गई? कैदखाने सजाओं की जगह कहीं मारा जाता है, कहीं पीटा जाता है, कहीं और कोई काम कराया जाता है, कहीं टॉर्चर किया जाता है, आपको इतने आरसे तक कैद खाने में रखा गया, आपको सबसे आम सबसे सख्त सजा कौन सी दी गई? सारी चीजें जब कैदी को कैद खाने में रखा जाता है तो उसकी मेहमानी नहीं की जाती, उसको राहत नहीं पहुंचाई जाती, उसको नागरिकों से मारामार नहीं किया जाता, यकीन वहां उसको तकलीफ पहुंचाई जाती, कोई भी शक्ल हो तकलीफ पहुंचाई जाती। उस वक्त में उन लोगों ने कहा कि तबीब अरसे तक हुकूमत ने हमें कैद कर दिया और हम अपने कैदखानों में कैद रहे, इसकी वजह से सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ी तकलीफ जो हमें दी गई है वो ये है, इतने आरसे तक हमें अपने बच्चों से दूर रखा, इस पूरे जमाने में हम अपने बच्चे की तालीम और तरबियत का इंतजाम न कर सके, ये सबसे बड़ी सजा है। ये माँ बाप, इसको कहते हैं माँ बाप और इसको कहते हैं जिम्मेदारी का एहसास। मैं बहुत साफ लफ्जों में कहता हूं, आमतौर पर हमारे मुस्लिम मुआशरे में शादी के बाद औलाद होती है और औलाद की तरबियत पर जो बेफिक्री होती है, उस बेफिक्री से तो ऐसा महसूस होता है कि मुसलमान ने यह समझा है कि शादी का मकसद औलाद की टीम तैयार करना है, बच्चा जन्म देना, इसके अलावा कोई जिम्मेदारी। आपको हैरत होगी अगर आपने फुकहा ने एक मसला लिखा है, इसको अच्छी तरह समझना, एक मसला लिखा है कि अगर किसी इलाके और किसी बस्ती का माहौल ऐसा गंदा और ऐसा बुरा हो जाए,
जहां अपनी पूरी कोशिश सर्व करने के बाद सारी तदाबीर तदाबीर तैयार करने के बाद अगर फिर भी हमारी औलाद दीनी तरबियत नहीं पा सकती, दीनी मुआशरे को नहीं अपना सकती, दीनी तालीमात को नहीं अपना सकती और सही माने में मुसलमान और दीनदार नहीं रह सकती, तो ऐसे और निकल माहौल में आदमी कम औलाद की तरबियत अख्तियार करे उसकी गुंजाइश ज्यादा हो रहा फैशन है कोई इजाजत नहीं आराम है। लेकिन ये अगर माहौल इतना बुरा है, माहौल इतना खतरनाक है कि सारी तस्वीरें अख्तियार करने के बाद, सारे जतन अख्तियार करने के बाद, सारी मेहनत लगाने के बाद माहौल इतना खतरनाक है कि हमारा बच्चा दीनदारी पर कायम नहीं रहेगा, तो इधर मुहाने नहीं है कि इतने बच्चे हो कि जितनी तुम तरबियत कर सकते, तुमने कंधा लगा दी और किसी की तरबियत का एहतमाम नहीं, तुम्हें पूछो मेरे भाई इस सरमाया अल्लाह ने हमें औलाद की शक्ल में दिया है, आज का मुसलमान अपने हाथों इसको जाहिर कर रहा है, अपने हाथों इसको बर्बाद कर रहा है और किस तरह बर्बाद कर रहा है एक मिसाल, एक छोटा सा बच्चा है वो कहने का बच्चा पापा मुझे खिलौना चाहिए ना कौन सा खिलौना चाहिए ना जो बंदूक होती है वो चाहिए। अब बंदूक दो तरह की है, एक तो वो जो बच्चों की खिलौने की है जिससे अगर किसी को मार भी दिया जाए तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता आमतौर पर कि आदमी मर जाए, लेकिन बाप ने कहा मेरा बच्चा है, शहीद का बच्चा है, अभिनोता बेचन बच्चा है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, आज जिंदगी में पहली मरतबा उसने मुखालफा किया है, मुझे बंदूक चाहिए पिस्तौल चाहिए, मैं उसे झूठी बनावटी नहीं असली ला दूंगा। आप यकीन मानिए आप जानते हैं आपको मालूम है कि ये बच्चा असली बंदूक और पिस्तौल के नुकसान को नहीं जानता, इसके फायदे को नहीं जानता, इसके हाथ में अच्छी पिस्तौल और बंदूक थमा देना तो उसके लिए और उसके साथ बहुत सारा कोई बर्बादी का जरिया है। लेकिन कोई बाप ऐसा कह दो बेवकूफ है ना समझे और सही माने में औलाद का पैदानी बदला और दुश्मन है। आज हमारा हाथ क्या है, हमने अपने उन बच्चों और उन बच्चियों को जो बच्चे और बच्चियां दीनी एतबार से किन काम से अल्लाह राजी होता है, किन काम से अल्लाह नाराज होता है, अभी उसको इतनी सूझबूझ इतनी समझ नहीं है या अल्लाह की नाफरमानी के कामों से रोकने की ताकत नहीं है और हमने खरीद कर इनको अच्छे अच्छे मोबाइल दे दिए, 10,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, 25,000 का मोबाइल, हमारे उन बेटों के लिए जिनको कोई शौक नहीं है कि किस रात से आदमी अल्लाह की नाफरमानी पर चला जाता है हम उसको दे दे। एक अभिनोता बेटा है बड़ी मोहब्बत से कहता है खिलौने की या 2-3 हजार की मोबाइल उसकी दे नहीं उसकी दिन तो आला से आला पसंद का मोबाइल चाहिए। जिस तरह एक माँ बाप अपनी औलाद को खिलौने के बजाय अच्छा और सच्चा बंदूक देकर उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा है, आज के दौर में लखो लाइफ के जितने भी आदत है, जितने भी सामान है और जितने भी तरीके से औलाद है, हम अपने बच्चों को देकर उनकी जिंदगी को नहीं उनके ईमान को, ईमान की पावर को, रूहानी पावर को अपने हाथों तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। जान का दुश्मन इतना बड़ा दुश्मन नहीं है, खुदा ने कहा कि मतलब ईमान का दुश्मन इससे बड़ा दुश्मन है, वो माँ बाप आज के दौर में इन बच्चों की खैरदारी के साथ सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए, आपकी माफ करता हूँ।